पिछले कुछ दशकों से पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन एक उभरता व्यवसाय बन गया है। मुर्गियों का प्रजनन, कार्य नियोजन और पालन पोषण में जो प्रगति हुई है, उससे पंछियों का हालचाल में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। आपके इस परिवर्तन में गोदरेज एग्रोवेट शुरू से ही आपके भरोसेमंद सहयोगी बन गया है। सही सलाह सुझाव देकर हर पल आपके व्यवसाय को बढ़ाने का मार्गदर्शन देता है इस कड़ी धूप और गर्मी का मौसम में भी। ऐसा जो मौसम जिसमें ब्रॉयलर और लेयर अधिक तनाव में आते हैं, जो उनके गतिविधि में बाधा लाते हैं, जैसे कि इन पंछियों में पसीने की ग्रंथियां नहीं होने के कारण ये अन्य जानवरों की तरह शरीर व्यवस्था अनुसार गर्मी को कम नहीं कर सकती। मुर्गियां जब छोटी रहती हैं, गर्मी को थोड़ा बहुत सहन लेती है, पर जैसे ही वो बढ़ने लगते हैं, बदन की गर्मी से अधिक परेशानियां शुरू होती है, क्योंकि वो ज्यादा आहार खाती है, जिस वजह से चलन वलन के लिए लगने वाली ऊर्जा शक्ति 40% तक बढ़ती है। मतलब 60% ऊर्जा शक्ति गर्मी के वजह से नष्ट हो जाती है। 60% ऊर्जा गर्मी के स्वरूप में निकालनी पड़ती है। यदि बाहर का तापमान थर्मो न्यूट्रल जोन से ज्यादा होगा, तो यही अतिरिक्त ऊर्जा शरीर के बाहर निकालना ही पंछी के लिए तनाव का कारण बन जाता है। शुरुआत में कोम, शैंक और पंखों को फैलाकर गर्मी निकालने में निष्फल होते हैं, तब पैंटिंग शुरू होती है। ये गंभीर परिस्थितियों में जानलेवा हो सकता है। इस गर्मी के बढ़ावे को कम करने के लिए यह पंछी कम आहार लेते हैं, उसकी वजन प्राप्ति और वृद्धि कम होती है। जब वातावरण में तापमान थर्मो न्यूट्रल जोन से अधिक होता है, ठंड होने के लिए पंछी एवोपरेटिव हीट लॉस करते हैं, जैसे कि तेज सांस लेना। जब शरीर को ठंड करने के लिए पंछी ज्यादा पानी पीते हैं, यदि वो पानी शरीर के तापमान से ठंडा ना हो, तब उन्हें पतली विष्ठा बार बार होती है। तेज सांस लेना और पतली विष्ठा दोनों के वजह से फार्म में संबंधित आर्द्रता और बढ़ती है, जो मुर्गी में गर्मी के तनाव को और बढ़ाता है। ज्यादा पैंटिंग और पतली विष्ठा की समस्या से एल्कलोसिस, इलेक्ट्रोलाइट का नष्ट या मौत भी हो सकती है। रिसर्च और कार्यक्षेत्र का अनुभव से गोदरेज एग्रोवेट लाया है गर्मी के तनाव को संभालने का कुछ प्रभावी उपाय। सबसे महत्वपूर्ण उपाय, गर्मी के दिनों में ज्यादा घनता वाले आहार दे, क्योंकि इसके देने की मात्रा कम होती है। इस प्रकार के आहार गोदरेज एग्रोवेट के पास उपलब्ध है, जैसे कि सुपरस्टार, एक्सेल, टेंडी और एलिट, जो खास ब्रॉयलर के वजन प्राप्ति और एक समान वृद्धि के लिए बनाया गया ज्यादा घनता वाला आहार है, और खास लेयर के लिए पेश है ये उत्पादन ANIC बैंगलोर की रिसर्च की देन है, जो देश के अत्याधुनिक प्लांट में उत्पादित होता है। मुर्गी का खाद्य सेवन बढ़ने के लिए मैश के बदले क्रम्ब और पेलेट फीड का इस्तेमाल करें। पंछियों को समय समय में चलाने के वजह से खाद्य सेवन बढ़ता है, और वो कायम बैठने के वजह से उसके नीचे फंसी हुई गर्मी से भी छुटकारा मिलता है। पंछी को गर्मी से तनाव कम होने के लिए 6 घंटे पहले खाना नहीं देना चाहिए। इसके कारण पाचन संस्था में आहार का प्रमाण कम होने के कारण शरीर के अंदर की गर्मी भी कम हो जाती है। ठंडा और काफी पीने के पानी की व्यवस्था करें। ठंडा पानी पिलाने से शरीर का तापमान कम होता है, जिससे गर्मी के तनाव भी कम होता है, और पतली विष्ठा से होने वाला गीला कूड़ा भी कम होता है। जब पीने के पानी का तापमान
शरीर का तापमान से कम रहता है तब वो शरीर की गर्मी को सोख लेता है। ठंडा पीने का पानी से शरीर का तापमान कम होने के अलावा पानी और खाद्य सेवन को प्रोत्साहित करता है। साल 2000 में लेयर के ऊपर एक प्रयोग हुआ था। ये देखा गया है कि जिस लेयर को शरीर के तापमान से ठंडा पानी मिलता है वो गर्म पानी पीने वाले लेयर से ज्यादा आहार खाती है। जब दिन में वातावरण का तापमान बढ़ता है टंकी में सुबह भरा हुआ पानी का तापमान भी बढ़ता है, इसलिए पानी की टंकी को छांव में रखें। टंकी में पानी कम रखें और समय समय पर ताजा पानी अपनी बोरिंग या कुएं से भरे। अगर टंकी को छांव में नहीं रख सकते हैं तो गीले गोनी से लपेटें। धूप में पाइप को आवरण चढ़ाए ताकि पानी का तापमान ना बढ़े या पाइप छांव में रखें। जब गर्मी का तनाव ज्यादा बढ़ता है तब टंकी में बर्फ डालें। कॉफी ड्रिंकर्स का व्यवस्था से चिक्स को पानी पीने के लिए कोई प्रयास ना करना पड़ेगा। खुली हवा का प्रयोजन करें जिससे हवा खिलती रहेगी। जमा हुआ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक नमी को कम करने में मदद मिलेगी। अगर जरूरत हो तो शक्ति बढ़ाने वाले पदार्थ दे जैसे कि चास, ग्लूकोज तथा विटामिन सी। फॉल्स सीलिंग लगाने से तापमान को नियंत्रण में रखने के लिए मदद मिलती है। सीलिंग पंखों या सर्कुलेशन पंखों का उपयोग करें। फॉगर का उपयोग करें। अगर ब्रॉयलर हो तो गर्मी के दिनों में फॉगर का उपयोग करने से हवा का तापमान कम होता है। ऐसे महत्वपूर्ण उपाय को अपनाएं और गर्मी के मौसम में भी पंछियों का बेहतर पालन करें और ज्यादा मुनाफा कमाएं। गोदरेज एग्रोवेट आपका भरोसेमंद सहयोगी।